फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के गैप के बाद आज एक वीडियो आ रही है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो गैप से क्यों आ रही है, क्योंकि आपके सामने आज प्रेजेंटेशन पे पीपीटी पे पेन टेप से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, पर उस पर कोई अपन ने डीआई नहीं की थी। तो आज हमने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में आने वाली एक डीआई सिलेक्ट की है, तो अपन सॉल्यूशन देखेंगे। अपन देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आती है आपके सामने, पाई चार्ट है जिसमें नॉर्मली दे रखा है। ये एसबीआई पीओ प्री में भी आ सकती है, आईपीएस पीओ प्री में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतनी मतलब नॉर्मल डीआई है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सिक्स डिफरेंट। मतलब इस पाई चार्ट के अंदर सिर्फ आपको सीपी का, जो सीपी है वो किस रेशियो में है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मतलब जैसे ए का 15% है, बी का 12% है। जैसे टोटल पाई चार्ट कितने होता है अपने पास, 100% की वैल्यू होती है। ये 100% की वैल्यू में से ए का सीपी कितना है, बी का सीपी कितना है, सी का सीपी कितना है, ये अपने को दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइटिंग आज मैं पहली बार पेन टेप यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको पता है नॉर्मली ठीक ठाक आएगी, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी टू एफ इज 3:4। बी टू एफ एस पी आया है 3:4। इस एस पी दिया हुआ है। ठीक है, आगे अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द आइटम बी इज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट। ओके, तो बी का सी पी रेशियो एस पी 35% मतलब क्या हो गया, 35/100। हाँ, और ये 20, अगर उसका सी पी 20 है तो एस पी उसका 27 हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे एस पी आया है, एस पी अपने पास यहाँ पे 27 आया है। क्वेश्चन कह रहा है 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये इक्वल होगा। ये 3 को 27 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास आ गया बी और एफ का एस पी आ गया 27:36 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने को प्रॉफिट निकालना है एफ का। एफ का सी पी अपने पास है नहीं, एस पी अपने पास है, सी पी अपने पास नहीं है, वरना तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते। ठीक है, पर अपने पास बी का सी पी है, और बी और एफ का जो परसेंटेज सी पी का है उसका रिलेशन दिया हुआ है। हाँ, तो बी का सी पी अपने को 12% दिया हुआ है, 12% की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 20। ठीक है, और तो 1% की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, 20/12, तो 18% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/12 × 18। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आ गया 30। तो एफ के लिए सी पी और एस पी का अपने पास रेशियो आ गया 32:36। कितना इंक्रीज हुआ है, +6 इस पे, 30 पे, परसेंटेज कितना हो गया, 20%। बी इज योर आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। इसका अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ द डिफरेंस, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सी एंड ई इज ₹540। सी और ई के सी पी में डिफरेंस दिया हुआ ना, यहाँ सी का सी पी कितना है 10%, ई का सी पी कितना है 20%, तो इनमें डिफरेंस कितना आया, 10%। 10% की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 540। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 54। ठीक है, तो अपने को आइटम आगे क्या दिया हुआ है, एंड प्रॉफिट अर्न्ड ऑन आइटम सी एंड ई। तो सी का सी पी कितना था पहले, तो पहले अपन यहाँ पे सी की बात करेंगे और यहाँ पे ए की बात करेंगे, ये सी पी। सी का सी पी कितना था, 10%। 10% की वैल्यू क्या थी, 540। ई का सी पी कितना था, 20%। 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1080। फिर अपन बात करते हैं एस पी, यहाँ से अपन कर लेंगे एम पी।
एसपी एमपी, अपने को एमपी का ही डिफरेंस पूछा है उसने, ठीक है 540 हो गया। एसपी क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट पर अगर वो बेच रहा है, 540 का 120/100 तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 लगे 4, 640 8, ठीक है। ये कितने पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे, 1080 का 10% प्रॉफिट कितना होता है, 108, तो ये क्या हो गया 11888, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द बोथ आइटम इफ द डिस्काउंट गिवन ऑन बोथ आइटम्स इज 20%, मतलब 20% पे बेच रहा है, 20% डिस्काउंट दे के बेच रहा है। अगर MP5 है तो SP4 हो जाएगा दोनों कंडीशंस में, ठीक है। तो अपने को इस 4 की वैल्यू दी हुई है, जैसे C के लिए अपने को 4 की वैल्यू दी है 648, तो एक की वैल्यू हो गई 162, 162 एक की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810, ठीक है। ऐसे E के लिए 4 की वैल्यू 1188, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4297 × 5, तो ये 200 × 5 करोगे तो 1000, 9 × 5 करोगे तो 450, 7 × 5 करोगे तो 3500, तो ये हो गया 1485। अपने को आगे पूछ क्या रहा है इसमें, दोनों के एमपी में डिफरेंस में और इसमें डिफरेंस, अपने को क्या दिया हुआ यहाँ पे 1485 ई का एमपी और 810 सी का एमपी, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया 5, 7 और 6, 7, 5, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइटिंग और वो जो भी पेन का वगैरह इश्यू है वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो आदत लगी हुई है ना अपने को, वो आदत ख़त्म हो जाएगी और नई आदत से हम जुड़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच।